पंजाबी स्टाइल चने की दाल। चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम चने की दाल, एक बड़े साइज की प्याज को इस तरह कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च, 3 तेज पत्ता, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा, 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 कटोरी धनिया पत्ती, 2 मीडियम साइज के प्याज को तड़के के लिए ये कट कर लिया है, थोड़ा सी हींग, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। तो चलिए बनाते हैं। सभी चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल के उसको सीटी लगाते हैं। ये मैंने जो दाल अच्छे से 3-4 पानी में, साफ पानी में धो के उसको रख लिया, इसको उसमें डाल देंगे। ये 100 ग्राम दाल है मेरी। इसमें ये 1 बड़े साइज के प्याज को डाल देंगे, 2 हरी मिर्च को डाल देंगे, 3 तेज पत्ते को डाल देंगे, 1 मसाले इसको ऐड कर देंगे इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें 2.5 गिलास पानी को ऐड करेंगे, 1 गिलास, 2 गिलास, उसका लीड लगा देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। कुकर को मैंने चढ़ा दिया है, इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे, फिर इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा प्रेशर 1 आ गया है, इसी का 4 प्रेशर और आ जाए, इसके बाद 10 से 5 मिनट लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारा 3 से 4 प्रेशर आ गया है, इसको लो फ्लेम पे 10 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गया है इसको लो फ्लेम पे पकते हुए, अब इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर आउट होने पर इसको खोलेंगे। हमारा प्रेशर आउट हो गया है, इसको खोल के देख लेंगे दाल को। दाल का सारा पानी खुश्क हो गया है, इसमें पानी ऐड करेंगे। एक गिलास मैंने पानी डाला है, इसमें 1/2 गिलास पानी और डालेंगे। अगर आपको इस तरीके की दाल पसंद है तो इसको आप व्यस्त मत करिएगा, लेकिन हम लोग यहाँ दाल ऐसी ही पूरी बारीक जो हो जाती है इस तरह कर लिया जाता है। इसको व्यस्त कर लेंगे अच्छे से। अगर आप इसे खड़ी पसंद करते हैं तो इसको व्यस्त मत करिएगा, सिर्फ इसको बॉईल कर लीजिएगा। इसी टाइम पे आपको नमक भी इसका वो चेक करना है। ये पंजाबी स्टाइल चना दाल है, बहुत ही अच्छी लगती है जीरा राइस के साथ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप खड़ी पसंद नहीं करते हैं तब नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ बॉईल कर लेंगे। जितना पानी उसमें लगे उतना डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। हमारे यहाँ ऐसी नहीं खाई जाती है। ये देखिए इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से पहले खूब अच्छे से बॉईल आ जाने देंगे, फिर इसका तड़का लगाएंगे। देखिए इसके चलाते हुए मैंने हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है, अब इसको बंद कर देंगे, आप दाल का तड़का लगाएंगे।
देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है दाल के तड़के के लिए। अब इसमें ऐड ऑयल ऐड करेंगे, ये एक बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो देसी घी या जो भी कुकिंग ऑयल है वो ऐड कर सकते हैं आप। तेल देखिए हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें दो मीडियम साइज की प्याज को डाल देंगे। गोल्डन फ्राई करेंगे, तो गोल्डन फ्राई होने तक इसको हमको इसी तरह करना है। ये देखिए हमारी प्याज रेडी हो गई है, इसी में दाल ऐड कर देंगे लो फ्लेम करके। तो मिक्स कर देंगे। अगर आप इसको चॉप की प्याज आपको पसंद है तो आप प्याज को चॉप कर सकते हैं, आप ये ऑप्शनल है, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं प्याज। अब इसमें आधा धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। तो अच्छे से बॉईल आने देंगे। इसको हाई फ्लेम पे चलाते हुए एक अच्छा सा बॉईल आ जाए तब इसको बंद करेंगे। ये पंजाबी स्टाइल चने की दाल बहुत ही अच्छी लगती है, खास करके जीरा राइस के साथ। ये देखिए हमारी दाल को रेडी हो गई है, अब चलिए दाल के ऊपर तड़का लगाते हैं। फिर इसको बंद कर देंगे फ्लेम को और दाल। ये देखिए हमारा फ्राई पैन रेडी हो गया है, गर्म हो गया है। इसमें दो चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे आप चाहेंगे तो। ये देखिए हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें दो चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, तो लो फ्लेम पे ही गर्म करना है। अब इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे और कुछ अटकने देंगे, जीरो को ऐड कर देंगे, तो मिक्स कर देंगे। तीन हरी मिर्च डाला है मैंने, अटकने देंगे। ये दाल के ऊपर डालते हैं तो एकदम अच्छा टेस्ट आता है, एकदम टेक्सचर। इसको बंद कर देंगे। ये देखिए तड़के को इसमें मैंने ऐड कर दिया है, अब इसमें जो जीरा और गरम मसाला पाउडर है वो ऐड कर देंगे। धनिया पत्ती को भी गार्निश कर दिया इस पर, पहले जीरो को डालेंगे, जीरा पाउडर को और फिर गर्म मसाला पाउडर को। ये देखिए हमारी पंजाबी स्टाइल चना दाल तड़का रेडी है, एकदम टेस्टी बनी है। और इसको आप जीरा राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, सभी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।